नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। मंदार महोत्सव को लेकर एसडीएम एवं बांका जिले के सारे विभाग के पदाधिकारी ने पापहरनी एवं मेला मैदान कृषि प्रदर्शनी स्थल का जायजा लिया। इस मौके पर निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने उपस्थित नगर पंचायत के पदाधिकारी को पापहरनी की साफ सफाई और सड़क मार्ग में अतिक्रमण एवं इनकी सफाई के निर्देश जारी किए। 10 जनवरी से ही मंदार में होगी अलाव की व्यवस्था। सफा धर्म मानने वाले लोगों के लिए 10 जनवरी से ही अलाव एवं साफ सफाई की व्यवस्था का निर्देश भी उपस्थित पदाधिकारी ने दिया। साथ ही लक्ष्मी नारायण मंदिर एवं मधुसूदन मंदिर और आसपास के मंदिरों की नंगा पुताई जल्द से जल्द पूरा करने का दिया गया। पीएचडी विभाग को मंदार के नीचे से ऊपर शिखर तक पानी की व्यवस्था जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया। तो वहीं नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी रवि सिंह को साफ सफाई, पानी निकासी की सुविधा एवं सारे विभाग के मौजूद अधिकारियों के साथ संपर्क बनाकर सहयोग करने और निर्देशित कार्यों को सफल मिलने का निर्देश दिया। वहीं पर्यटन विभाग द्वारा लगाए गए सारे हाई मार्क्स लाइट एवं आसपास में लगे हुए सारे लाइटों को दुरुस्त करने का भी निर्देश जारी किया गया। इस मौके पर एडीएम माधव कुमार सिंह, एसडीएम अरुण कुमार सिंह, डीडीसी कौशलेंद्र कुमार, वरीय उप समाहर्ता सत्येंद्र कुमार, जिला आपदा पदाधिकारी शालिग्राम सहा, एमवीआई अरुण कुमार, जिला योजना पदाधिकारी बबन कुमार, बीडीओ अमित कुमार, नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी रविशंकर सिंह, थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय, सीओ विजय कुमार गुप्ता, पीएचईडी विभाग के कार्यपालक अभियंता रंजीत कुमार, जे राहुल कुमार, पीओ संजीव कुमार, रेफरल प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमार आदि मौजूद थे। देखिए अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।